बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब किसको क्या बोल जाएं किसी को पता नहीं है, कब किसके पाले में जाकर अपनी सत्ता बचा लें ये भी कोई नहीं जानता है। अब एक बार उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बिहार की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने ही सहयोगी आरजेडी पर निशाना साधा है और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल के दौरान किस तरीके से गुंडाराज था उसकी याद दिलाई है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के उस दौर को याद क्यों कर रहे हैं और किस मौके पर उन्होंने ये बयान दिया है। तो आपको बता दें कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो फिर से एक बार चर्चाओं के केंद्र में हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने हैं। अभी हाल फिलहाल में महिलाओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था। अब इसी कड़ी में 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन जब जेडीयू की ओर से पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में भीम संसद का आयोजन किया गया, तो यहां पर नीतीश कुमार ने अपने ही सहयोगी राजद के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों पर निशाना साध दिया। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ऐसी बात कही जिसे सुनकर निश्चित तौर पर आरजेडी नाराज हो सकती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले इस प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं था। उन्होंने अपने बयान में कहा है, 2005 में मेरी सरकार बनी, उससे पहले शाम में कोई घर से बाहर निकलता था क्या? हम जब आए तो सब कुछ ठीक किया। अब देखिए कि देर शाम तक और रात में भी लोग बेफिक्र होकर घूमते हैं, उन्हें कोई डर भय नहीं है, कितना अच्छा माहौल बन गया है। अब रात में महिलाएं और लड़कियां भी घर से निकलती हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, 2005 से पहले का दौर नीतीश कुमार याद कर रहे हैं और उससे पहले राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता संभाल रहे थे और ये सभी को पता था कि बिहार में किस तरीके से गुंडई थी, शाम के बाद कोई निकल नहीं पाता था। लेकिन अब जिस आरजेडी के साथ वो सत्ता चला रहे हैं उसी के विरोध में बयान दे रहे हैं, जिससे निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार फिर से कोई खेल खेलने वाले हैं और शायद वो बगावत भी आरजेडी से कर दे। 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में अभी उथल पुथल चल रही है उसके अगवाकर्ता नीतीश कुमार बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने पूरी तरीके से गठबंधन को हाईजेक कर लिया है, ऐसे में नीतीश कुमार को लग रहा है कि अब इस तरीके की बयानबाजी देकर एक बार फिर से वो इंडिया गठबंधन के करीब पहुंच सकते हैं और उसकी अगुवाई कर सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल को एक काला अध्याय बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ भी ठीक नहीं था, जब से वो मुख्यमंत्री बने तभी से ही सब कुछ ठीक हुआ है, उसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।